फ्रेंड्स बता ना कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही अच्छे, संडे का दिन है और बच्चा उठा है, बच्चा उठा है, मोर भी जाके आया। अरे बोल मेरे बच्चे, एवरी संडे करती हूँ। क्या एवरी संडे उठ के सीधे मोर भागती है? तो ये अभी जाके आइए, मोर जाके आइए। मैं सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि संडे है, सैंडविच बन रहा है। और शाम को मुझे आज थोड़े पार्लर के अपॉइंटमेंट्स है, तो शाम को पार्लर भी जाना है। और आज चेतना भी घर आ रही है, उसको मराठी फिल्म देखनी है जिम्मा, जो मैंने लास्ट वीक देखी है, उसी ने लाके दी थी मुझे। तो आज हम जिम्मा फिल्म देखने वाले हैं जो प्राइम पे लगने वाला है। तो मैं आपसे हाइट हूं। हाँ, तो मेरे से हाइट है। तो फ्रेंड्स नहीं, मैं सही हूँ। मेरे बच्चे मेरे से बड़े हैं, मैं छोटी सी हूँ, छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी बच्ची हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपको पता है, जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ या फिर सैंडविच बनाती हूँ या फिर नूडल्स बनाती हूँ या फिर फ्राइड राइस बनाती हूँ, मेरे में ज्यादा चीजों से ज्यादा, मतलब चावल या नूडल्स या पास्ता से भी ज्यादा चीजें होती है, वो है वेजिटेबल्स। मुझे एक कुछ व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था जब मैंने फ्राइड राइस का, नहीं पास्ता का जब मैंने वीडियो डाला था ना, इसमें पास्ता कम और वेजिटेबल्स ही ज्यादा है। तो यस, बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का ये एक तरीका होता है। ये नहीं है कि जबरदस्त पास्ता खिला और कहीं एक दो गाजर मूली दिखे, ऐसा नहीं है। एक दो पास्ता दिखे, बाकी सब गाजर मूली। और सुबह से हमें कुकर की रिंग जो है नहीं मिल रही है, हमारी मेड जो है वो बर्तन घस के गई है और उसने रिंग कहाँ रख दी है, मतलब सारे बर्तन उथल पुथल कर रही है अभी तेजू। जब तक रिंग नहीं मिलेगी हमारे आलू नहीं पकेंगे। तेजू मैं फिलहाल अभी गैस ऑन कर रही हूँ, तो जब मिले तब लगा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज रात भी नहीं है, रात जब किसी काम से बाहर गए रात तक वापस आ जाएंगे। तो रात जैसे आएंगे वैसे मैं आज आपको रात से मिला दूंगी। पागल, और बड़ा वाला निकाली दे, छोटा वाला दे। तो राज जैसे ही आते, राज को आते आते बहुत लेट हो जाएगा, मेरे ब्लॉग खत्म करने के बाद शायद आए या फिर ब्लॉग खत्म करने से पहले आए। तुझे जल्दी आएंगे तो मिला दूंगी, वरना कल मिलेंगे। तो फिर चलिए, रिंग मिल चुकी है, कुकर लगा देंगे और बाकी की सब्जियां जो है वो कट करेंगे। बाय बाय, मतलब मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सैंडविचेस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अभी मैं भर भर के उस पर चीज़ डाल रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ, मतलब चीज़। अभी मेरे सैंडविच रेडी हो गए, तो अभी हम पहले नाश्ता करेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आपसे वापस मिलेंगे। तो चलिए देखिए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूँ, इसकी सैंडविच की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, फूड की प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर चेतना आई हुई है और वो पूरा फिल्म इन्जॉय कर रही है। रिपीटेडली हम सीन रिवाइंड कर करके देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सीन जैसे मराठी में है फिल्म, वैसे तो चेतना को मराठी समझ में आ जाती है, बट कुछ कुछ सीन जो समझ में नहीं आते वो हम रिपीट करके देख रहे हैं। मैं धो रही हूँ हमारे चॉकलेट्स के मोल्ड। मैंने पता है इसको पहले अपने सोडा पाउडर डाल के, जो खाने का सोडा होता है ना, वो डाल के धोया है। तो करो, 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 करो। रुको, मतलब सोडा पाउडर में सब में खाने का सोडा जो होता है उसको डाल के ब्रश से घिसता होता है, मतलब एक एक, ये जो एक एक चॉकलेट का शेप होता है ना, ये एवरी शेप को ब्रश से घसना होता है। तो अभी तक मैंने वो घसा, पूरे 2 घंटे गए मुझे, क्योंकि मेरे मोल्स अभी बहुत हो गए, 24 के पास हो गए मेरे अभी। क्या कर रही है? 21 गिने तूने? 21 मोल्स, 2 मोल्स से शुरुआत की थी मैंने, स्टार्टिंग 2 मोल्स लाए थे मैंने जब शुरुआत की थी चॉकलेट्स की, और अभी 21 मोल्स। नाइस नाइस, इट्स नाइस। और वो एक ही येलो है। हाँ, उसमें ये एक ही येलो कलर है जो मोदक है गणपति बप्पा का। और एक लाना है मुझे मोल्ड मोदक का। चेतना आई थी अभी तक, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उसके साथ बैठी थी ज्यादा नहीं, मतलब क्योंकि हम मूवी देख रहे थे, मूवी देखते देखते मैंने ये सारे काम खत्म किए। इसको धोने में बहुत टाइम जाता है करके मैंने मूवी देखते देखते ही किया ये। हाँ बोल बेटा। हाँ बना के देखती, सैंडविच बनाया ना, वो वापस मांग रही है। इसे छुपकी छुपकी क्यों, पता चल रही थी उनको भी हम कितना खाते, हम खाते पीते घर वाले।
तो आपसे वापस मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये सारे मोल्ड्स मेरे धो के रेडी हो गए एकदम साफ सुथरे, इनको थोड़ा सुखा दूं। ये देखिए मैं बना के देती हूँ, कहा ना मैंने दो मिनट रुक ना, नहीं रुक सकती मना करती नहीं ना, लेकिन एक मिनट रुक आपसे दो रही थोड़ी देर पर। बिफोर तो फ्रेंड्स मैं उनको घस रही हूँ, ये देखो घस रही हूँ, उनको अभी नया बना दूंगी घस के रोज थोड़ा थोड़ा। ये बिफोर है, बहुत है हमारे पास, और ये आफ्टर होने वाला है, वहाँ पे भी बहुत सारे बर्तन मोल्ड्स आफ्टर हो चुके हैं, दिखा उनको वहाँ पे भी है और बहुत जगह पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम ही, तो इनको ना हर महीने में एक बार थोड़ा घसना पड़ता है। ये देखिए ये घिसने के बाद वाला, और ये देखिए कितना कितना वेट फर्क है, वेट तो है पुराने है ना। मैं अपना चॉकलेट फैक्ट्री का जो मटेरियल है ना, जानू इतने सारे लेटर लिख के रख दिए, देखो क्योंकि अभी रोज ऑर्डर्स आ रहे हैं हमें, तो हमें रोज एक लेटर लिखना पड़ता है, तो जानू ने लिख के रख दिए लेटर्स। जानू कहाँ गई थी? कपड़े मेरे चॉकलेट फैक्ट्री की ना, ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल मेरा फैक्ट्री मैं सजा दूंगी, क्योंकि चीजें बस लाल ला के ऐसे ही रख रही थी, उसको मैंने असेंबल्ड नहीं किया था, तो आज जो मैं असेंबल्ड कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा बॉल वो सभी स्पैचुला वो सब रख रही हूँ, ये सारे मेरे बटर पेपर जो पेपर मटेरियल है वो मैं यहाँ रख रही हूँ, गिफ्ट पैकिंग मटेरियल है ये पैकिंग के सारे मटेरियल्स है तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ। ये भी लेके आई थी ना मैं नया वाला, ये आपने देखा होगा मेरे पार्लर में, वो कप के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, कप ही दिख रहा है, ग्लास वैसा है मतलब प्लास्टिक ग्लास के दिखाओ क्या तुझे, ये उसका ऊपर का ढक्कन है और ये है अंदर का ढक्कन मतलब कप है। तो ये मैं सब सेट कर रही हूँ, पहले सेट करूँ फिर आपसे, मैं बहुत सारी चीज़ें सेट कर रही हैं, ऐसे ही लाल आके बस रख रही थी, वो अच्छी तरह से सेट नहीं हुए थे, कुछ चीज़ें चाहिए धुलनी हो सब कुछ ऐसे निकालना पड़ रहा था, तो आज सभी कुछ चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। ये सारे जो पेपर्स है मेरे वो पेपर्स मतलब फॉइल फॉइल पेपर एंड ऑल, और ये कुछ कप्स है छोटे कप्स चॉकलेट, और इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, एक भी अगर बाहर निकालो ना तो ऐसा फैल रहा है, मेरे अभी कितने सारे कप्स ऐसे वेस्ट हो गए फैल के, और मैं भी नहीं निकाल रही हूँ, जब भी चाहिए होंगे तभी कोई यूज के लिए निकालो, नीचे से निकालो नहीं रे ऊपर से निकालेंगे। ये भी एक कप है, ये भी मैंने लाया था आपको दिखाया, ये एक मस्त पेपर कप, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, इस पे भी मैंने चॉकलेट्स डाल के रखे हुए, आ ही नहीं रहा देखना, मिनी बास्केट के तरह मिनी बास्केट, ब्यूटीफुल जानू बोलती, जानू क्या ब्यूटीफुल, और मुझे खा गया था नहीं डाटा गया था कि कोई मुझे सैंडविच बनाकर देगा, कौन देने वाला है, कौन है वो इंसान जो तुझे सैंडविच बना के देगा, देगी तेरी माँ तुझे बना के देगी, और मैं खुद बना रही हूँ अभी, मुझे डाटा गया था, ये ऐसे हो जाते हैं टॉपिक चेंज, ये देखो ये ऐसे हो जाते हैं बाहर निकाल के रखो तो मैंने इसके लिए एक हैक देखा यूट्यूब पे, छोटा वाला कप ढक्कन, अपना बिस्लेरी का ढक्कन होता है ना, करना है उसे बिस्लेरी के ढक्कन में, ये मेरा उतार कैसा है, सुबह में कैसे दिख रही थी, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं काम कर करके थक गई, ले देते जो छोटा ढक्कन होगा तो है क्या, अरे इतना एकदम बोलते ही निकाल है क्या, यो क्या हो गया, कुछ हो गया। तो फ्रेंड्स शाम को मैं आई थी पार्लर, और पार्लर आके मैं बहुत बिजी हुई थी, जैसे कि मैंने कहा था कि आज मुझे अपॉइंटमेंट्स थे, आज संडे को एक्चुअली मैं ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स लेती नहीं हूँ, अगर हुआ तो मतलब अगर किसी ने पिछले दिन फ्राइडे सैटरडे अपॉइंटमेंट्स लिया तो मैं संडे अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ, उसी तरह के मेरे आज कुछ थे अपॉइंटमेंट्स थे, तो मैंने वो अभी कंप्लीट किए, अभी 7:30 बज रहे, मैं 4:30 को आई थी और अभी तक बिजी थी, अभी मैं फ्री हुई हूँ, और मेरे सफ़ेद बाल कुछ ज़्यादा ही अभी दिखने लगे हैं,
ओ मी गॉड, 1 2 3 4 5 अंदर तो पूरे भर ही रहे, मतलब हो गई अभी उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए तो ऑब्वियस है उम्र होती है, बस बालों की उम्र होती है, दिल की कोई उम्र नहीं होती, दिल अभी तक बच्चा ही है, दिल तो बच्चा है जी, हाँ बच्चा, मेरा तो दिल बहुत छोटा सा बच्चा है और मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, खुश रहना पसंद है, ज़्यादा टेंशन्स में लेती नहीं हूँ, टेंशन्स रहते हर किसी को रहते हैं, दुनिया में ऐसी कोई मतलब जीव जंतु नहीं है जिसको टेंशन नहीं हो, छोटे से जीव से लेके बड़े से बड़े जीव तक सभी को टेंशन होती है, बस उस टेंशन का हल ढूंढो, उस टेंशन को सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं होता है टेंशन तो उस टेंशन के बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को, आपके दिमाग का दही करके आपके हार्ट को प्रेशर मत दो, दिल को बस खुश रखो, और दिल क्या है ना, बोलते हैं ना इतने डेट्स में बोला है ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, दिल को समझाओ सब ठीक है तो सब ठीक ही होता है, और कोशिश करो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने की। अभी मेरा किचन बहुत किचन बोल रही, मेरा पार्लर पूरा मैस हो रखा है, बहुत क्लाइंट्स थे अभी तो उन सारे, ये भी सारा मुझे क्लीन करना है, वैसे भी संडे क्लीनिंग जो मैं करती हूँ मेरे पार्लर की वो आज नहीं हो पाई है, तो अभी पहले तो मैं ये सब समेटूंगी, ये सब क्लीन करूँगी और उसके बाद अगर टाइम बचा मुझ में थोड़ी एनर्जी बची तो बाकी के सारे शेल्फ में क्लीन कर लूँगी, नहीं तो मैं कल करूँगी। थोड़ा हिसाब कर रही थी क्या क्या कितना कितना हुआ है, सब हो गया काम, राज भी आएंगे रात को, लेट होगा उन्हें आने के लिए, उन्होंने कॉल किया था अभी अभी निकले वो वहाँ से, तो उनको आने के लिए भी लेट होगा, देखते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद घर में मिलते हैं, वरना बीच में अगर मुझे फिर कुछ याद आया कुछ फिलोसफी झाड़नी से मन किया तो वापस वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स हमारे बिल्डिंग में ना एक छोटी बिल्ली आई है, छोटी क्या मतलब उसके बच्चे भी है, तो वो बहुत देर से शायद उसको भूख लगी है तो मैं दूध लेके आई थी उसके लिए, उसको थोड़ा दूध डाल देंगे, मेरे पास कुछ है नहीं मैं इसी में डाल दूँगी, देखेंगे पीती है क्या, दोस्ती तो हो गई है मेरे साथ, देखेंगे। देजू को तो वैसे नंबर है बट वो इतने दिन से पेन नहीं रही थी, हमने उसको बहुत डांटा जब लॉकडाउन में, लॉकडाउन खुलने के बाद ही हम उसका आइस चेकअप करा के लाए थे MM जोशी में जाके, तब उसका जो स्पेक्स था वो उस नंबर का उसने पहना ही नहीं, उसने कहा नहीं मुझे तो सब कुछ ठीक दिखता है मुझे ज़रूरत ही नहीं, और ऐसे टाल टाल के उसने छोड़ दिया। अभी उसको बहुत ही सर दर्द स्टार्ट हुआ था वापस, तो हम यहाँ पे जो नंबर उसका है और जो स्पेक्स है उन्हें सेम नंबर का है या नहीं वही चक्कर आ रहे, अगर सेम नंबर का ही निकला तो वापस तेजो अभी स्पेक्स पहनना चालू करेगी क्योंकि अभी सर दर्द बहुत बढ़ गया है। देख वहाँ बात कर सभी को हाय बोल, ऐसा रखा है तू हाथ, तुझे क्या लगता है तू बहुत पतला है, टुकड़ा बोमी नहीं है तेरे में बहुत शक्ति है, तेरे मसल्स के नेल्स तो चुभेंगे, चुभ रहे, अरे वो पूरा फोर्स डाल के से खड़ा है ऐसे पूरा फोर्स डाल के, और अब जी छोड़ दे पापा मत कर ऐसा, करिया एक्चुअली वेट कर रहा है उसका फूड आने वाला है, सामने वाली दीदी आज फूड मतलब फूड उसका फूड बे स्पेशल फूड, करिया का स्पेशल फूड आता है जो हम नहीं देते हर संडे, जो हम नहीं देते बट पेडिग्री देते हैं ना, पेडिग्री देते, पेडिग्री में क्या होता है, पेडिग्री वाले कमेंट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं पेडिग्री में भी बहुत कुछ होता है, पेडिग्री वालों आप ऐसे बुरा मत मान लो, बट जो हमारे करिया को चाहिए ना वो दीदी देती है और वो दीदी का वेट करता है, तो अभी वेटिंग कर रहा है वो, उसको खुशबू आ रही है, वेट कर रहा है वो। 12 साल का बच्चा, ये इस सितंबर को 12 होगा, किसी भी एंगल से ये इतना इसके मसल डिसल इतना सॉलिड है ना, ये अभी भी एकदम जवान बच्चा लगता है, ये बूढ़ा किसी एंगल से नहीं लगता, बूढ़ी बूढ़ी सॉरी ये बूढ़ी किसी एंगल से नहीं लगती, और आपको बता दूं इस ये बहुत स्ट्रांग है, ये पिंटू से ज्यादा स्ट्रांग है, पिंटू एक्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं है, पिंटू बहुत ज्यादा एकदम नाजुक बच्चा है हमारा, ये बहुत स्ट्रांग है, दो दिन बारिश में क्या घूमा पिंटू को, बुखार आया, कल उसको दो इंजेक्शन करवाए, फिर दवाइयाँ भी दी गोली भी दी, और इसलिए भी वो सिर्फ पेडिग्री पे है बाकी कुछ नहीं खा रहा है, और उसने गंजी खाया है 2 दिन, और ये ना ये तो पत्थर को भी खा के पिघला देगा, इतना स्ट्रांग बच्चा हमारा, सबसे प्यारा बच्चा, लेकिन इतना दिमाग खाता ना कभी कभी, ये रात को चाई चुई चाई चाई चालू रहता है इसका, करिया चल जा बैठ, बाहर आएगा खाना तेरा, जा बैठ। तो फ्रेंड्स हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से हम कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आपके चश्मे में दिख रहा है कि आप क्या देख रहे हो टीवी में।
हाँ तो मैं खतरों के खिलाड़ी देख रही हूँ ना, बिग बॉस आने तक तो हमको वही देखना है। ऐड है अभी, अभी आएगा ना, अभी 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स बाय, 5 4 3 2 1 बाय बाय।